Hey everyone, welcome to Callback Coding. Okay, so आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हेडिंग्स, पैराग्राफ्स एंड लिस्ट टैग्स. तो चलिए शुरू करते हैं. ओके, सो यहाँ पे मैंने एक index.html की फाइल क्रिएट कर ली है और html का बेसिक स्ट्रक्चर लिख लिया है. बेसिक स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं ये हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था. अगर आपने मेरी फर्स्ट वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रही हूँ, सो यू कैन ईजली एक्सेस. लेट्स बिगिन विद हेडिंग्स. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हेडिंग्स. ओके, बिफोर स्टार्टिंग लेट मी टेल यू वन थिंग कि यहाँ पे जो मैंने हेडिंग्स लिखा है इसे हम कहते हैं कॉमेंट्स. कॉमेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली कॉमेंट्स वो टेक्स्ट होता है हमारा जो एग्जीक्यूट नहीं होता. जब हम इसको रन करेंगे तो वो ब्राउज़र पे कहीं पे हमें शो नहीं होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ ऑर्गेनाइजिंग आवर कोड हम कॉमेंट्स यूज़ करते हैं. हमारे पास हेडिंग के टोटल 6 टैग्स होते हैं. सबसे पहला होता है हमारे पास H1, जो कि हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था. यहाँ पे हम लिखते हैं अपनी मेन हेडिंग. जल्दी से इसको ब्राउज़र पे भी देख लेते हैं जाके. ओके, सो ये हमारे पास आ गया है H1. इसके बाद हमारे पास दूसरा टैग होता है H2, जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं सब हेडिंग्स के लिए. इसका आउटपुट भी देख लेते हैं. ये हमारे पास है कि सब हेडिंग. H1 का साइज़ बड़ा होता है और H2 का साइज़ उससे थोड़ा छोटा होता है. इसी तरीके से हमारे पास और टैग्स होते हैं लाइक H3, H4, H5 और एक और होता है हमारे पास H6. और इन सब के साइज़ वेरी करते रहते हैं. सबसे पहले H1 होता है जिसका साइज़ सबसे बड़ा होता है, फिर H2 का उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, सबसे छोटा. ओके, इसके अलावा हम अपनी हेडिंग्स के साइज़ को अपनी मर्ज़ी से भी एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि हम CSS में करेंगे भी. सो दैट वाज इट फॉर हेडिंग्स. अब हम डिस्कस करते हैं पैराग्राफ्स. ओके, सो पैराग्राफ्स के लिए हमारे पास सिंपल सा एक टैग होता है P. ये मैंने P का टैग लिख लिया. ओपनिंग और क्लोजिंग टैग आ गया. अब इसके बाद हमें इसमें कुछ सैम्पल टेक्स्ट ऐड करना है. सैम्पल टेक्स्ट ऐड करने के लिए हमें यहाँ पे लिखना होता है एक वर्ड लॉरम, और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूँगी तो मेरे पास यहाँ पे कुछ सैम्पल टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया. इससे हमें आसानी हो जाती है कि हमें बार बार यहाँ पे कुछ टाइप नहीं करना पड़ता है. जल्दी से इसको ब्राउज़र पर जाके देखते हैं. ये हमारे पास पैराग्राफ आ गया. तो पैराग्राफ हमारे पास सिंपल सा था. अब हम बात कर लेते हैं लिस्ट की. लिस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा HTML का. लिस्ट की एक एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पे एक वेबसाइट की एग्जांपल है. लिस्ट हमारे पास वेबसाइट में यूज़ की गई है. जैसे यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट पीपल एंड इनकी इंफॉर्मेशन है, तो ये हमने एक लिस्ट में लिखा है. एक ही कैटेगरी के हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं तो हम उसे एज ए लिस्ट यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास पीपल थे बहुत सारे, तो हमने उसको एक लिस्ट में लिख लिया. इसके अलावा हम इसको भी लिस्ट कंसिडर कर सकते हैं, ये भी हमारे पास लिस्ट है. और इसके अलावा ये वाले जो ऑप्शंस यहाँ पे लिखे हुए आ रहे हैं, जो कि नेविगेशन बार में यूजुअली हमारे पास लिखे हुए होते हैं, ये भी लिस्ट में यूज़ हो सकते हैं. बट ये हमारे पास हॉरिजॉन्टली लिखा हुआ है और ये वर्टिकली लिखा हुआ है. सो अब हम बात करते हैं लिस्ट की. लिस्ट के हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं. पहली टाइप होती है हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट. ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हमारे पास सिंपल से एक टैग होता है OL. हमने ये टैग लिख लिया. अब इस टैग के अंदर हमें अपनी लिस्ट का टैग यूज़ करना है, जो कि होता है हमारे पास LI. और लेट सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया एप्पल. इसको ब्राउज़र पे पहले चेक करते हैं. ये हमारे पास लिखा हुआ आ गया एप्पल. और यहाँ पे इसके साथ ये नंबर भी लिखा हुआ आया 1. ये इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट है. ऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब ये होगा कि हमारे पास एक सीक्वेंस में शो होगा हमारा जो भी टेक्स्ट होगा, और उसके साथ नंबर्स भी मेंशन होंगे. यहाँ पे अगर हम एक और LI लिखें और यहाँ पे मैंने लेट सपोज लिख दिया मैंगो, तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास 2 लिखा हुआ आ गया मैंगो के साथ. मतलब हमें नंबरिंग खुद से नहीं करनी पड़ रही, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो रही है. यहाँ पे हम जितने भी LI ऐड करते जाएंगे वो नंबर्स अपने पास से खुद ऐड करता रहेगा. तो ये तो हो गई हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट, जो कि एक सीक्वेंस हमारे पास शो कर रही होती है. अब बात कर लेते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट की. अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं UL का टैग. और इसमें भी हमारे पास ये सेम चीज़ होती है. हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं.
कैन यू सी द डिफरेंस, ये हमारे पास बुलेट्स में शो हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास कोई सीक्वेंस नहीं है, और यहाँ पे हमारे पास नंबर्स शो हो रहे हैं जो सीक्वेंस को शो कर रही है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारे पास ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड लिस्ट। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट के हमारे पास सिंपल सा टैग होता है DL, और इसमें हम लिखते हैं दो चीज़ें। सबसे पहले हमारे पास आता है डेफिनेशन टर्म, कि हम किस चीज़ की डेफिनेशन लिख रहे हैं। लेट सपोज यहाँ पे मैंने लिखा बायोलॉजी, अब इसके बाद मुझे इसकी डेफिनेशन लिखनी है, तो मैंने उसके लिए यूज़ किया टैग DD, दैट इज़ डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। और लेट सपोज यहाँ पे हम लिख देते हैं बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, राइट। अब इसको हम ब्राउज़र पे चेक करते हैं, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से शो होगा। अगर हम इसके बाद कुछ और डेफिनेशंस भी ऐड करना चाहें तो हम वो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास इस तरीके से शो होगी कि जो हमारे पास टर्म होगी वो कॉर्नर पे आएगी, और डेफिनेशन जो है वो डेफिनेशन स्टाइल में हमारे पास शो होगी। तो हमें खुद से यहाँ पे स्पेसेस या इंडेंटेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम इसको सिर्फ लिस्ट डेफिनेशन लिस्ट में लिख देंगे और हमारे पास वो ऑटोमेटिकली इस तरीके से शो होगी। Okay guys, so that was it for the video. If you guys have any query, ask me in the comment section, and don't forget to like, share and subscribe to my channel Callback Coding. So see you in the next video. Thank you.